हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग बाय सुधा में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही खस्तेदार मठरी की रेसिपी। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1.5 कप मैदा। तो मैदे को कप में मैंने हल्का सा प्रेस करके भरा है, वेट में 200 ग्राम के लमसम। अब हम इसमें 2 चम्मच के लमसम कसूरी मेथी डालेंगे, इससे मठरी का जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। और 1 छोटा चम्मच इसमें हम क्रश की हुई काली मिर्च डालेंगे, और 1 छोटा चम्मच मोटी वाली सौंफ ली है तो इसे भी हम हल्का सा क्रश करके डालेंगे। और 1 छोटा चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन को हम क्रश करके डालेंगे। इसके बाद जो है 1/4 छोटा चम्मच हींग डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। 2 बड़े चम्मच जो है इसमें कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे। इसके बाद जो है हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें मोई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 1/4 कप देसी घी लिया है। तो घी जो है कप में मैंने एकदम फुल कर नहीं भरा है, हल्का सा खाली रखा है। तो वेट में जो है ये 45 ग्राम्स है, ml में ये 50 ml है। घी को जो है आप यहाँ मेल्ट कर ही डालिएगा। दूसरी बात, अगर आप रिफाइंड ऑयल का मोई लगा रहे हैं तो 60 ml के लमसम ले सकते हैं। घी का मोई अगर आप मठरी में लगाते हैं ना, तो मठरी जो है आपकी बहुत ही ज़्यादा खस्तेदार और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब इसे जो है हाथ से अच्छे से मसल कर हम मिक्स करेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसकी एक मुट्ठी बनाएंगे, इस प्रकार से डालेंगे तो ये टूटेगा नहीं। इसका मतलब है मोयन जो है बहुत ही अच्छे से लगा है। जब ये लड्डू टूट जाता है इसका मतलब मोयन जो है हल्का सा लगा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार करेंगे। तो फिर डो जो है हमें गूंथना नहीं है, सिर्फ बाइंड करना है। तो इस प्रकार से मसलेंगे और अच्छे से बाइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आटे को बिल्कुल भी नहीं गूंथा है, सिर्फ बाइंड करके रखा है। तो एकदम टाइट आटा लगाया है। तो इतना आटा लगाने के लिए मैंने 1/3 कप पानी लिया था, तो 2.5 से 3 चम्मच पानी बच गया है। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आटे को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो आटे को हल्का सा हम मसल लेंगे। इसके बाद जो है हमें आटे को इस प्रकार से लंबाई में तोड़ लेना है। इसके बाद जो है इसे हल्का सा हम चिकना करेंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयां हम तोड़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको छोटी मठरी बनानी है तो छोटी छोटी लोइयां तोड़ लीजिएगा, अगर बड़े साइज़ की मठरी बनानी है तो बड़ी बड़ी तोड़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सारी लोइयां तोड़ ली हैं। अब हमें क्या करना है, एक हम लोई लेंगे हल्का सा, बस इस प्रकार से घुमाएंगे और इस प्रकार से हथेलियों से इसे दबा दबा कर फ्लैट कर लेंगे। तो ये मठरी हमारी तैयार है। लोई को हमें बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करना, बस हल्का सा गोल करेंगे, इस प्रकार से इसे फ्लैट कर लेंगे। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ थोड़ी सी मठरी बनाकर तैयार कर ली। आप चाहे तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ की मठरी बनाई है, आप अपनी पसंद के अनुसार छोटी बड़ी मठरी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सारी मठरी बनाकर तैयार कर ली। चलिए इन्हें हम फ्राई करते हैं। तो ऑयल गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था, तो थोड़ा सा आटा डालकर चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें हल्के से बबल्स आने लगे हैं, बस इतना ही गर्म ऑयल हमें चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्म ऑयल होगा तो मठरी जो है हमारी ऊपर से पक जाती है लेकिन अंदर से जो है वो अच्छे से नहीं पकती है, जिससे मठरी हमारी खस्तेदार नहीं बनती है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ हाफ मठरी डाल दी है। फ्लेम को मैंने अभी लो टू मीडियम ही रखा है। जब मठरी जो है अपने आप ऊपर आ जाएंगी तब हम इन्हें पलटेंगे, और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें हमें पकने देना। तो ये देखिए, मठरी को फ्राई करते हुए हमें 4 से 5 मिनट हो गए, इनमें हल्का सा लाइट कलर आ गया। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इन्हें फ्राई होने देंगे जब तक ये हल्की सी लाइट गोल्डन कलर की नहीं हो जाती। तो फ्रेंड्स, ये मठरी जो है हमारी बढ़िया लाइट गोल्डन कलर की हो गई है, तो इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। तो एक पेज तैयार करने में मुझे 12 से 15 मिनट का टाइम लग जाता है। मठरी के साइज़ के हिसाब से टाइम थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, या मठरी आप एक बार में ज़्यादा क्वान्टिटी में फ्राई कर रहे हैं या कम क्वान्टिटी में, उस हिसाब से भी टाइम थोड़ा सा कम ज़्यादा लग जाता है। सारी मठरी निकालने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जब ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा तब हम अपनी बची हुई मठरी फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो गया है, तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो इसी प्रकार से आप सारी मठरी फ्राई करके तैयार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए स्वादिष्ट खस्तेदार मठरी हमारी तैयार है। तो इतने आटे में मैंने 27 से 28 मठरी बनाई है, बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही खस्तेदार बनी है। चलिए मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खस्तेदार और एकदम लेयरदार बनी है। तो फ्रेंड्स, आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव हमसे शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नई रेसिपी के साथ।